ओम शांति। ज्ञान सागर शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अमृत वेले का समय सतोगुणी होता है। उस समय बाप को याद करना सहज होता है। अमृत वेले का टाइम सबसे अच्छा है, इसलिए अमृत वेले उठ, मेडिटेशन में बैठो, विचार करो, मैं आत्मा हूं, हमारा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उसकी संतान हूं, मालिक बन ज्ञान रत्नों का सिमरण करो। तो चलिए अमृत वेले के सतोगुणी समय पर मेडिटेशन में बैठ जाए। विचार करें, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं आत्मा हूं, मैं बाबा का हूं, मेरा बाबा बागवान है, वही खिवैया है, मैं उनकी संतान हूं, शिव बाबा से बातें करें। प्यारे बाबा, आप सबको सहारा देने वाले खिवैया हो, आप हमारी जीवन नैया को पार लगाने वाले खिवैया हो, हम आत्माओं की जीवन रूपी नैया विषय सागर में डूब रही थी, आपने सहारा देकर हमारी डूबती हुई जीवन नैया को पार लगाया है। खिवैया बन आपने हमें इस विषय सागर में डूबने से बचाया है। बाबा, आप सच्चे सच्चे बागवान भी हो, हम सभी ब्राह्मण आत्माएं रूहानी बगीचे के फूल हैं। आप इस बगीचे के मालिक हो, बाबा, आप इस रूहानी बगीचे के बागवान हो, प्यारे बाबा, आपने हमें माया रावण के कांटों के जंगल से निकालकर
फूलों के बगीचे में बिठा दिया। हमें निर्विकारी बना दिया। आपने हमें दैवी फूल बना दिया। मैं रूहानी बगीचे का दैवी फूल हूं। मैं अल्लाह का बच्चा हूं। मैं गार्डन ऑफ अल्लाह का दैवी फूल हूं। प्यारे बाबा, आप इस पतित दुनिया में आकर भारत को फिर से गार्डन ऑफ अल्लाह बना देते हो। बाबा, आप आकर बहिष्ठ स्थापन करते हो। प्यारे बाबा, आप हेवनली गॉड फादर हो। बाबा, आप बागवान हो, खिवैया हो, आप रहम दिल भी हो तो बीज रूप भी हो। आप सभी आत्माओं पर रहम करके सबको दुख अशांति से मुक्त करते हो। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का सही मार्ग बताते हो। प्यारे शिव बाबा, आप बीज रूप हो। आप इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के बीज हो। आप में ही सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है। आप बीज में ही रचयिता और रचना का ज्ञान समाया हुआ है। गॉड फादर शिव बाबा, आप नॉलेजफुल हो, पतित पावन हो। इस पतित दुनिया में आकर हमें पावन बनाते हो। स्वर्ग की बादशाही हमें वर्षे में देते हो। बाबा, जैसे आप अविनाशी हो, वैसे आपसे मिलने वाला वर्षा भी अविनाशी है। मुझे अविनाशी बाबा से अविनाशी वर्षा मिला है। मैं आत्मा एक श्री श्री की श्रीमत से श्रेष्ठ बनता हूं।
अब मुझ आत्मा को भी बाप समान रहम दिल बन सबको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देना है। श्रीमत पर सबको श्रेष्ठ बनाना है। ज्ञान में रमण करते करते निरंतर बाबा को पाने की खुशी। रचयिता और रचना का ज्ञान पाने की खुशी। ओम शांति।